हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज FY BCom एंड FY BMS का इंडेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करेंगे सारे पॉइंट्स ऑफ इंडेक्स नंबर। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स नंबर। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज भी ऐड करवाए थे, आपको याद होगा। तो पहले बेसिक इंडेक्स नंबर बताया था, उसके बाद ला पा डी फी मी, पांच फॉर्मूले ये हुए थे। अब उसमें से जो ला का फॉर्मूला था ना, लाएगा जीरो पाएगा वन, जिसमें लाएगा जीरो जो था ना फॉर्मूला, वो फॉर्मूले से आगे के कंसेप्ट को कंटिन्यू करने वाले, जिसमें अब हम फाइंड करने वाले कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, CLI भी जिसे कहा जाता है, CLI कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो कॉस्ट ऑफ ये लिविंग इंडेक्स का फॉर्मूला है, दैट इज CLI इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ P1Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0Q0 इनटू 1। आप याद करो, लाएगा जीरो, लाएगा जीरो कौन सा फॉर्मूला आएगा, लैस्परी का फॉर्मूला आएगा। तो एज पर लैस्परी फॉर्मूला जो आप सॉल्व कर रहे थे, लैस्परी का फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले से मुझे मिलने वाला है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। इसके लिए और एक फॉर्मूला दिया गया है, CLI इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ IW अपॉन समेशन ऑफ W, वेयर W स्टैंड्स फॉर वेट एंड I, ये आपने इसके पहले किया है, आई आपको याद होगा, छोटा सा आई, एवरेज मेथड और एग्रीगेट मेथड, एग्रीगेट सब साथ में करते थे, एवरेज में एक एक करके सॉल्व करते थे, P1 अपॉन P0 इनटू 100 बराबर, यही फॉर्मूला है P1 P0, यहां पे समेशन था, एग्रीगेट था और ये एवरेज है। अगर क्वेश्चन में आई दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर? हाँ, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 179-180 पे देखना, सम नंबर 6, कमोडिटी दिया है, क्वांटिटी दिया, यूनिट दिया, प्राइस पर यूनिट फॉर द ईयर 2000, प्राइस पर यूनिट फॉर 2006 इज गिवन टू यू। चलिए बताइए, पहला कमोडिटी है, फिर उसके बाद क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा यूनिट दिया है क्या? हाँ, नहीं नहीं, कमोडिटी क्वांटिटी में दिया है ना, क्वांटिटी, फिर उसके बाद क्या दिया है, प्राइस दिया है, यूनिट दिया है, फिर बेस ईयर या कुछ ऐसा बोला है क्या? नहीं, प्राइस पर यूनिट फॉर द ईयर 2000 और फिर प्राइस पर यूनिट 2006, यही दिया ना? चलिए ठीक है, बताइए कमोडिटी में राइस, वीट, मिल्क, शुगर, पल्सेस, ऑयल, ठीक है बस, तो फिर इतना लिख दिया। उसके बाद क्वांटिटी बताइए, 10, एक मिनट ना बेटा, 10 के बाद 15, 5, 6, 8, अच्छा ये यूनिट है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, केजीज में ही होता है। प्राइस दिया है बताइए, 12, 9, 18, 15, 30, 48, फिर उसके बाद 18, 15, 24, 24, 36, 72। पहले समझ लो कौन से प्राइस है, क्वांटिटी कौन से ईयर का दिया है, जरा देखो 2000 का, प्राइस भी 2000 का भी दिया है, 2006 का भी दिया है। जो पुराना साल होता है उसे बेस ईयर कहते हैं, बेस ईयर का वैल्यू जीरो होता है। तो ये क्वांटिटी 2000 का है, ईयर 2000 का है, मतलब ये क्यू जीरो हो गया, क्वांटिटी को क्यू बोलते हैं, तो क्यू बेस ईयर इसलिए जीरो, प्राइस पर यूनिट 2000 का तो पी जीरो, प्राइस 2006 का प्राइस 1 करंट ईयर का। अब मुझे फाइंड क्या करने बोला है,
ऑल्सो इंटरप्रेट द रिजल्ट में सबसे पहला क्वेश्चन में दिया था फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर द ईयर 2006 बाय एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। बराबर है, तो अब अपने को देखना क्या है, सी एल आई फाइंड करना, दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फाइंड करना। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला क्या है सर, ये प्राइस दिया है, प्राइस दिया है क्वांटिटी, मतलब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इस फॉर्मूले के लिए कौन से दो कॉलम चाहिए, पी वन क्यू जीरो, तो इधर कॉलम बनाया मैंने पी वन क्यू जीरो, पी जीरो क्यू जीरो, दो कॉलम बन गया, सिर्फ इसका टोटल से मतलब है, अपने को बाकी कुछ चाहिए ही नहीं, समझाइए। चलिए ठीक है, करते कॉलम पी वन क्यू जीरो, 18 × 10 = 180, 15 × 15 = 225, कैलकुलेटर नाम का प्राणी आपके पास रहता ही है, 24 × 5 क्या बात है 120, 24 × 6 = 144, 288 वाह वेरी गुड, कितना 1245, ध्यान दो ना तुम लोग, आगे पी जीरो क्यू जीरो 120, फिर 135 क्या बात है 90 1919, तो मैंने भी 90 240 192 टोटल किया, बताइए 867, क्लियर है यहां तक। अब सीएलआई का फॉर्मूला क्या है, सीएलआई का फॉर्मूला है समेशन पी वन क्यू जीरो समेशन पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100, यहां पे आएगा 1245 डिवाइडेड बाय 867 इंटू 100, करो कितना आ रहा बताओ, 143.60, बोलो बेटा कुछ करेक्शन है, ये पी वन क्यू जीरो पी जीरो क्यू जीरो बराबर है, बराबर ना, चलो ठीक है ये, नहीं नहीं बराबर है। इधर कुछ डाउट आप लोगों को, इसमें कुछ डाउट है क्या, डन ना, अपने को देखो ये कॉलम चाहिए पी वन क्यू जीरो चाहिए पी जीरो क्यू जीरो चाहिए, तो मैंने पी वन क्यू जीरो पी जीरो क्यू जीरो दोनों कॉलम बनाया, पी वन आपका क्या बेटा ये प्राइस है, क्वांटिटी आपका ये है, फिर पी जीरो मतलब ये है 12 और ये क्यू जीरो, इनको मल्टीप्लाई करना है खाली, बात समझ में आ गया पक्का। तो अब क्वेश्चन में बोला था भाई इंटरप्रेट द रिजल्ट, अभी इंटरप्रेट करने के लिए आपको ये रिजल्ट समझ में आना चाहिए कि सर क्या इंटरप्रेट करें हम यहाँ पे। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब कि अपने को अगर सोसाइटी में जीना है तो कितना खर्चा हो रहा है, बेसिकली कोई भी खर्चा 100% होता है, कोई भी 10 रुपया भी खर्चा गया तो 100% खर्चा है ना वो तुम्हारा, बराबर है। जो चीज आप 10 में ले रहे थे अगर वो 12 में मिल रहा है मतलब आपका कॉस्ट 2 रुपया बढ़ गया, तो इस केस में मेरा परसेंटेज मुझे दिख रहा है 143.60, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज हाउ मच 143.60%, दैट मींस मेरा खर्चा बेस ईयर से अगर इस साल में मैं आ रहा हूं, बेस ईयर 100% होता है, बेस ईयर कितना परसेंट है 100%, मैंने बताया ना बेस को 100 पकड़ेंगे अपन, तो अगर वो 100 है तो ये कितना परसेंट हो गया 43.60 ज्यादा हो गया, तो मेरा खर्चा जो है इंक्रीज हुआ है 43.60% से, देयर इज एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बाय 43.60%, समझ में आ गया क्या, पक्का समझा है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, उसके बाद वाला क्वेश्चन सेम चीज आपको पूछा है, कैलकुलेट द फॉलोइंग इंडेक्स, वही है ना, कैलकुलेट द फॉलोइंग डेटा फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फ्रॉम द डिफरेंट कमोडिटी ग्रुप्स विद द रिस्पेक्ट ऑफ वेट 2000 विद द बेस ईयर 1995। ग्रुप के अंदर दो ग्रुप दिया है, ग्रुप इंडेक्स दिया है और ग्रुप का वेट दिया है, और फूड क्लोथिंग लाइटिंग रेंट म्यूजिक ऐसा दिया है, यहां पर मैं उसे कमोडिटी में डाल देता हूं, कमोडिटी में मैं डाल देता हूं, पहला है फूड, फिर क्लोथिंग लाइटनिंग एंड फ्यूल रेंट और म्यूजिक, म्यूजिक या मिसलेनियस, एम आई एस सी है ना,
इसे म्यूजिक नहीं कहते, इसे मिसलेनियस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रुप इंडेक्स दिया है। अभी ग्रुप इंडेक्स को मैं आई पकड़ लेता हूं, आपको कंफ्यूज नहीं रखता हूं। इंडेक्स ग्रुप वेट दिया है, मतलब डब्ल्यू दिया है, बात समझा। चलिए आप बताइए ग्रुप इंडेक्स कितना है फूड का, फिर क्लोथिंग का, लाइटनिंग एंड फ्यूल 250, रेंट कितना 450, मिसलेनियस वेट 50, 10, 8, 20, 12। डिस्कशन क्या चल रहा है इतना, ध्यान देना बेटा आर्यन। चलिए अब मैं आ जाता हूं, हमको अगर सी एल आई फाइंड करना है यूजिंग आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, तो अपने को कॉलम बनाना पड़ेगा किसका, आई डब्ल्यू का, फिर इसका टोटल लेना पड़ेगा और वेट का टोटल लेना पड़ेगा, बिकॉज सी एल आई के अंदर इस तरीके से भी आप वेट फाइंड कर सकते हो। तो इधर मल्टीप्लाई 16,000, क्या बात है, 3,000 करेक्ट, 2,000, 9,000 कितना 120, एक जन इसका टोटल, एक जन इसका टोटल, फटाफट इसका टोटल 100 और इसका कितना 33,100, ठीक है। अब सी एल आई पे आते, सी एल आई समेशन ऑफ आई डब्ल्यू अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू 33120 अपॉन 100, दैट इज 331.20। अरे बात समझ में आया, यहां पे आप कितना परसेंट इंक्रीज बोल सकते हो अगर बेस ईयर से कंपेयर करूं तो, मैं कितना इंक्रीज हुआ है 231 पॉइंट, इसमें से 100 कम कर दो तो बच गया, उतना आपका इंक्रीज हुआ है, बात समझा, ये पक्का समझा, फटाफट इतना कंप्लीट करो, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया, मतलब आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर 2006 बाय फैमिली बजट मेथड, ऑल्सो ऑब्टेन द एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इन द ईयर 2006 इफ हिज एक्सपेंडिचर इन 2001 वॉज ₹6,000। टीनू क्वेश्चन में फिर से आपको सी एल आई फाइंड करना है, फैमिली बजट मेथड मतलब जो आप कर रहे वही वो मेथड का मतलब ही है, ठीक है। क्या क्या कॉलम्स दिया बता दो, पहला ग्रुप दिया है, फिर प्राइस दिया है कौन से ईयर का 2001 का, फिर प्राइस 2006 का दिया, और क्या दिया है वेट दिया है, ठीक है। ग्रुप में फूड, क्लोथिंग, लाइटिंग एंड फ्यूल, रेंट, मिसलेनियस, अच्छा प्राइस 2001 का 15, 48, 30, 60, 45, 2006, 36, 96, 90, 180, 90, वेट 60, 5, 10, 15, मेरे हिसाब से ये 100 आता है, 20, 30, 70, 100 आता है, मैंने कर दिया टोटल, बाकी अभी देखो। चलिए वेट दिया है, वेट दिया है तो आई डब्ल्यू वाला ही फॉर्मूला बनेगा, बट क्या आई दिया है क्या, तो आई का कॉलम बनाना पड़ेगा। अब आई का कॉलम कैसे बनेगा, तो अभी मैंने बताया था पी वन अपॉन पी जीरो इंटू पी वन, कौन सा है इसमें 2006 P1 है और P0 क्या है 2001, तो P0 मिल गया, P1 मिल गया, वेट मालूम है, तो I का कॉलम P1 डिवाइडेड बाय P0 बोले तो 36 अपॉन 15 इनटू 100 कितना 240, 96 कंट्रोल उदय, 48 इनटू 100 ₹200 बराबर, हाँ सुहानी थैंक यू, 90 डिवाइड बाय 30 इंटू 100 इधर 300, यहां पे 180 है ना, डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 ये भी 300, और यहां पे 90 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100 ये 200 आएगा, तो ये आएगा कॉलम मिल गया।
अभी आपने सॉल्व किया था वेट डाल के, तो आई इंटू डब्ल्यू का कॉलम में इधर बना देता हूँ, आई इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू आपके पास है इधर मल्टीप्लाई 240 into 60 14,400 1,000 3,000 4,500 2,000 फटाफट इसका टोटल 14, 15, 15, 18, 18, 4, 20, 18, 22, 24 24,900 क्या बात, ये समझ में आ गया। अब फॉर्मूला सी एल आई इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है, समेशन ऑफ आई डब्ल्यू अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू 24,900 अपॉन 100 क्या बात। अभी जरा ध्यान देना, क्वेश्चन में ना खाली इतना नहीं पूछा है, क्वेश्चन में और एक चीज पूछा है, क्वेश्चन में बोला है ऑल्सो ऑब्टेन द एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इन द ईयर 2006 इफ एक्सपेंडिचर इन 2001 वाज 6,000 यही पूछा है केविन। इसका मतलब क्या है, अभी ये तो नंबर्स है, तो इसने बताया कि अगर आप बेस ईयर से 2006 को कंपेयर करते हो, तो बेस ईयर अगर 100 रुपया है तो आपका 2006 में उसी चीज का वैल्यू कितना है 249, ये बेस ईयर है। जो चीज आपको 100 में मिल रहा था वही चीज आपको करंट ईयर में, करंट ईयर मतलब 2006 में कितने में मिल रहा है, कितने मिल रहा है 249 में ना, 100 से 249 पे पहुंचे ना आप, तो वो 249 में मिल रहा है आपको। अब क्वेश्चन जो क्या पूछा है मालूम है, कि अगर 2000 में खर्चा 6000 का होगा तो सॉरी 2001 में अगर खर्चा 6000 का होगा तो 2006 में वो कितना होगा, तो क्या करोगे, क्या बात है, मतलब यहां पे उसका एक्सपेंस इन 2006 विल बी 249 इनटू 6000 अपॉन 100 14,940, मतलब जो 6000 का खर्चा था आज के प्रेजेंट सीएलआई से उसका खर्चा बन जाएगा 14,940। समझ में आया क्या। क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 4 आपके टेक्स्ट बुक में सम नंबर 9 है, पेज नंबर 183 पे। इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ऑफ अ टेक्सटाइल वर्कर 2005 बी 210, जो अभी किया नहीं कंसेप्ट उसी से रिलेटेड है। इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ऑफ अ टेक्सटाइल वर्कर 2005 बी 210 विद अ बेस ईयर 2000 एंड ही इज अर्निंग वेज 7000 ड्यूरिंग द ईयर 2000 व्हाइल द अर्निंग ऑफ 2005 आर 10,500 कैन वन से दैट देयर इज अ इंक्रीज इन हिज रियल इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि भाई एक बंदा है उसका खर्चा जो था 2005 का कंपेयर करूंगा तो उसे 2005 में 210 जो बेस ईयर के हिसाब से था तो वो खर्चा कितना कर रहा था, 7000 का कुछ खर्चा हो रहा था 2000 के अंदर। अब 2005 में उसने अगर 10,500 जमा किया है तो क्या उसका इनकम बढ़ा है या कम हुआ है, ये मुझे फाइंड करना है, दैट इज माय रियल इनकम। टॉपिक का नाम है रियल इनकम, दैट इज करंट इनकम अपॉन इंडेक्स, इंडेक्स इंडेक्स ऑफ करंट ईयर इनटू 100। ये इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स मतलब अभी जो आपने फाइंड किया ना इंडेक्स वैल्यू, सीएलआई फाइंड उसी इंडेक्स वैल्यू कहते हैं। तो आप जैसे यहां पे देख सकते हो मैंने ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, करंट ईयर का इनकम या कॉस्ट या तो एक्सपेंस अपॉन बेस ईयर का वैल्यू इनटू क्या था, ये खर्चा था। अब एक्चुअली मुझे ये फाइंड करना है, तो ये भाई साहब इधर नीचे, ये नीचे तो सॉरी ये ऊपर है तो इधर आ जाएगा नीचे, ये नीचे तो ऊपर चले जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। अगर मैं रियल इनकम को यहां पे ले लेता हूं या तो मैं इंडेक्स को यहां ले लेता हूं, वन इन द सम, यही फॉर्मूले को घुमा के वो लोग ने ये जो कंसेप्ट है इसी को घुमा के ऐसा बना दिया, इंडेक्स नंबर करंट ईयर का इधर है ये जाएगा ऊपर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा इंडेक्स करंट ईयर अपॉन करंट ईयर इनकम,
इंटू हंड्रेड। अभी देखो यहां पे मल्टीप्लाई, तो इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई ना ऊपर है ना, तो यहां आएगा तो क्या आएगा, ये नीचे था ऊपर आया, ये ऊपर था ये नीचे आया। अब इधर क्या क्या बच गया, करंट ईयर का इनकम और रियल इनकम, बराबर है। अब मुझे अगर रियल इनकम दिया है तो इधर रियल इनकम मल्टीप्लाई होगा अपॉन हंड्रेड इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, करंट ईयर इनकम मिल जाएगा। तो मुझे वही करंट ईयर का एक्सपेंस अगर फाइंड करना है या इनकम फाइंड करना, तो फॉर्मूला क्या है, जो भी तुम्हारा इंडेक्स है अपॉन बेस ईयर इंटू रियल इनकम। अब मैं रियल इनकम की खाली बात करूं तो ये नीचे ऊपर आ गया, ऊपर है वो इधर नीचे आ गया, इनटू एक्सपेंस करने का है, तो वही सारा फॉर्मूला है, दैट इज करंट ईयर का इनकम अपॉन इंडेक्स ऑफ करंट ईयर इनटू हंड्रेड। समझ की बात है खाली, वो कि आप किस तरह से उसको समझते हैं, एज अ फॉर्मूला समझते हो या एज अ कंसेप्ट समझते हो। अगर एज अ कंसेप्ट समझ जाते हो तो भाई ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में भाई का करंट इनकम कितना है देखो, दिया है करंट ईयर का इनकम उसको है 10,500 और करंट ईयर का इंडेक्स भी आपको दिया है 210 रुपए। क्लियरली क्वेश्चन देखो, फिर से पढ़ रहा हूं, इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ऑफ अ टेक्सटाइल वर्कर 2005 बी 10 इन द ईयर 2005, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मतलब CLI करंट ईयर का कितना दिया है 210। सर 210 करंट ईयर, क्योंकि 2005 मेरा करंट ईयर है, उसका CLI दिया है। फिर आगे क्या दिया है, आगे उसने दिया है क्वेश्चन के अंदर, विद अ बेस 2000 एंड इज अर्निंग वॉज 7000 ड्यूरिंग द ईयर 2000, 2000 में वो कितना कमा रहा था, 7000 कमा रहा था, बराबर है। आगे दिया है, व्हाइल द अर्निंग इन 2005 वाज 10,500, 2007 में मतलब 2000 ईयर 2000 में उसका इनकम कितना था, इनकम फॉर 2000 वाज 7000 एंड इनकम फॉर 2006 वाज 10,005, बराबर है। आगे कैन वन से दैट देर इज ए इंक्रीज इन द रियल इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, फिर अपने को खाली उसको सजेस्ट करने का है। तो मुझे इधर फाइंड करना है रियल इनकम कितना है, रियल इनकम मिलेगा तो कंपेरिजन होगा, कंपेरिजन होगा तो मैं बता सकता हूं कि उसका इनकम बढ़ा है या कम हुआ है, क्लियर। तो रियल इनकम का फॉर्मूला है करंट ईयर का इनकम 10,500 अपॉन करंट ईयर का इंडेक्स 210 इंटू 100, देयरफॉर रियल इनकम आज के टाइम पे कितना है, पहले वो कितना कमा रहा था, पहले कितना कमा रहा था, आज कितना कमा रहा है, तो क्या लग रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है इनकम, देयर इज अ डिक्रीज इन हिज इनकम बाय रुपीज 2000 इन 5 years, क्लियर है, कंप्लीट कर लो। गिवन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर 2006 विद 2000 एज अ बेस इज 150, If the income of the person is 15,000 in 2006, what is the real income in this period within with 1980 as a base year? Simple है, क्या दिया है पहले आपको क्वेश्चन में, पहले लाइन पे द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर 2006 विद द बेस ईयर 2000, बराबर है। बेस ईयर क्या लेने बोला है, 2000, और इधर करेक्शन है वहां पे 1980 लिखा है, तो 1980 बेस नहीं है, यहां पे बेस 2000 ही है, तो CLI दिया है, CLI कौन से ईयर का, 2000 का दिया है, 2006 का दिया है, कितना दिया है CLI फॉर 2006, 150, अरे बराबर। फिर आगे क्या दिया है, इनकम द पर्सन इन 2005 मतलब करंट ईयर इनकम दिया है, कितना दिया है, 15,000। फाइंड क्या करना है, रियल इनकम और कुछ बेस ईयर लेने बोला है। तो अभी रियल इनकम का फॉर्मूला क्या है, रियल इनकम इज इक्वल टू करंट इनकम अपॉन करंट CY इनटू 100, करंट ईयर इनकम कितना 15,000, 50 इनटू 100, क्या बात, हो गया सम डन, समझ में आया क्या। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 आपके टेक्स्ट बुक में और यहां पे क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द रियल वेजेस। इसमें पूरा नहीं सॉल्व करने वाला क्योंकि आपको असाइनमेंट, अभी पहले आपको ईयर दिया है, फिर आपको दिया है एवरेज मंथली वेजेस, फिर
फिर उसके बाद आपको कॉलम दिया है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स CLI, बराबर है। ईयर बताइए 2003, 4, 5, 6, बस सात तक दिया है 2007। फिर अमाउंट ऑफ वेजेस 12,000, 13,200, 14,300, 15,100, 100, 120, 130, 150, क्या फाइंड करने बोला है आपको? रियल इनकम। इधर ही कॉलम बना दिया रियल इनकम। फॉर्मूला क्या है? करंट ईयर इनकम अपॉन CY इनटू 100। ये आपका करंट ईयर का एवरेज मंथली इनकम है, ये आपका CLI है, इनटू 100 करना है, मतलब 12,000 अपॉन 100 इनटू 100, 12,000 आएगा। यहाँ पे 13,200 अपॉन 120 इनटू 100, बराबर है, समझा? यहाँ पे भी सेम है, कंटिन्यू करना, इसका टोटल करने की जरूरत नहीं है, एक एक करके सेपरेटली आपको सॉल्व करना। डन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है आपको? रिकंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग सीरीज ऑफ इंडाइसेस यूजिंग 1990 एज अ बेस ईयर। इसे बेस ईयर अज्यूम करके एक नया टेबल बना के उनको चाहिए। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। सबसे पहला ईयर दिया है, ईयर के बाद इंडेक्स दिया है, बराबर है। इंडेक्स ऑलरेडी बना के दिया है, बट उसने बोला रिकंस्ट्रक्ट करो नया इंडेक्स। तो मैं इधर कॉलम बना रहा हूं न्यू इंडेक्स वैल्यू। अभी कैसे बनेगा फॉर्मूला बाद में समझेंगे, पहले आ जाते यहां पे। ईयर पुराना ईयर बताओ, 1986 से लेके कंटिन्यू में है ना सब, 1989, 1990, 1991, 1992, और इंडेक्स बताओ 110, 130, 150, 175, 180, 200, 210। आपने बोला नया इंडेक्स फाइंड करो। अब इंडेक्स का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या है? इंडेक्स का P1 अपॉन P0, P1 मतलब करंट ईयर, P0 मतलब बेस ईयर, इनटू 100 इंडेक्स का कॉलम यानी कि आई का कॉलम ऐसे ही बनता है। तो 1986, 80, सबसे पुराना साल ही हुआ ना सर, लेकिन उसने बोला बेस ईयर क्या लेने का, तो बेस ईयर का इंडेक्स कितना है? बेस ईयर मतलब पुराना साल, तो बाकी सब मेरे लिए क्या है? नया साल। अरे समझा, अगर ये मेरे लिए पुराना साल है, जीरो है बेस ईयर, तो बाकी सब मेरे लिए क्या है? करंट ईयर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? करंट ईयर मतलब 110 अपॉन 180 इंटू 100, समझा? क्लियर। इधर क्या आएगा? 100 ही आएगा, बेस ईयर का वैल्यू बाय डिफॉल्ट 100। फॉर्मूले के हिसाब से देखना है तो देखो, 180 अपॉन 180 इंटू 100, तो इसका वैल्यू 100 ही आएगा। क्लियर हुआ? यहां पे 130 अपॉन 180 इंटू 100, 150 180 इंटू 100, 175 180 इंटू 100, 200 180 इंटू 100, 210 180 इंटू 100। इस तरह से आपको इस कॉलम मिल जाएगा। इसे कहते हैं बेस शिफ्टिंग मेथड। बेस जो था आपने उसे शिफ्ट किया नए बेस के ऊपर। क्लियर आंसर? आई होप सब निकाल सकते हो, इसलिए मैं इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूं। इट्स क्वाइट सिंपल सब। क्लियर है कुलदीप? चेन बेस इंडेक्स नंबर। अभी इसके अंदर एक चीज स्किप हो गया, वो है स्प्लाइसिंग मेथड। पॉसिबल होगा तो इसका एक वीडियो बना दूंगा मैं, नहीं तो फिर अगर कुछ डाउट है तो उस पर आप पूछना, पर्सनली मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है? आप आ जाते चेन, चेन चेंज नहीं है, चेन। चेन का भी क्या होता है? एक दूसरे से कनेक्ट होता है। अगर आपको चेन बनाना है तो पहले वाले को दूसरे से कनेक्ट करना है, दूसरे को तीसरे से कनेक्ट करना है, तीसरे को एंड सो ऑन, तो आपको लिंक मिलते जाएगा, चेन बनते जाएगा। तो इसके अंदर दो चीज आपको बनाना पड़ेगा, एक है लिंक रिलेटिव एंड दूसरा है चेन बेस इंडेक्स। चेन बनाने के लिए लिंक करना जरूरी है, लिंक होगा तो चेन बनेगा। तो लिंक का फॉर्मूला क्या है? करंट ईयर का प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर का प्राइस इन 200।
सर क्यों ऐसा बोलते, सिंपल ऐसा बोलते तो हमको तो याद ही था ये, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, यानी कि करंट ईयर बेस ईयर इंटू 100। अब करंट ईयर के लिए बेस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर ही है, समझा? ये मिल जाएगा, इसके बेसिस पे ये मिलेगा, लिंक के बेसिस के ऊपर ही चेन मिलेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला है लिंक रिलेटिव, रिंग रिलेटिव जो मिलेगा इनटू चेन ऑफ बेस। इसका कुछ वैल्यू हमेशा इनका फर्स्ट ईयर का वैल्यू 100 रहेगा, बेस ईयर वैल्यू इज ऑलवेज 100, तो लिंक रिलेटिव का फर्स्ट ईयर का वैल्यू क्या रहेगा 100, चेन बेस का फर्स्ट ईयर का वैल्यू क्या रहेगा 100, तो भी इसका चेन बेस यहां पे भी 100 ही आएगा अपॉन लिंक रिलेटिव आ जाएगा। क्लियर क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, ईयर प्राइस, तो मैंने दो कॉलम बना के रखा है, यहां पे ध्यान दो, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ऐसे दिए हुए कॉलम्स, और आपको दिया है प्राइस। अब बोला चेंज बेस इंडेक्स फाइंड करना है, फर्स्ट ईयर का लिंक रिलेटिव 100, चेंज रिलेटिव 100 ही आएगा, बेस ईयर के लिए मैंने पहले ईयर के लिए दोनों के लिए बता दिया, उसके बाद आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते जाए एक एक करके। सेकेंड ईयर की बात करूंगा, तो ये उसका करंट ईयर है, तो ये उसका क्या है बेस ईयर, तो करंट ईयर का प्राइस 28, बेस ईयर का प्राइस 23 इंटू 100, फटाफट सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है 121 पॉइंट। चलिए ठीक है, इस केस में ये करंट है और ये बेस है, मतलब 35 अपॉन 28 इंटू 100, 125 पॉइंट कुछ नहीं ना, ठीक है, यहां पे 45 35 बराबर है इंटू 100, 128.57 रिकरिंग नंबर है क्या, इतना ही ठीक है, 52 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100, 115.55 रिकरिंग। अब ऐसी सम्स में ना कमोडिटी भी आ सकता है, तो आई कैन से ये कमोडिटी ए का वैल्यू, कमोडिटी बी के अंदर भी ऐसे ही दिया रहेगा, तो आपको सेपरेटली भी सॉल्व करना पड़ेगा, जो इसके बाद वाला समय सिमिलर वैसा ही है, आप देखना उसके बाद में कमोडिटी ए बी सी दिया है और सबका प्राइस दिया है, तो कमोडिटी ए उसको सेपरेट सॉल्व करना है, कमोडिटी बी उसको सेपरेट सॉल्व करना है, कमोडिटी सी उसे सेपरेट सॉल्व करना है। क्लियर, अज्यूमिंग यहां पे एक ही कमोडिटी, ये हो गया। अब लिंक, इसी में स्टूडेंट से मिस्टेक होने वाला है, जरा ध्यान से, लिंक क्या है, एवरेज लिंक ऑफ करंट ईयर इंटू चेन बेस ऑफ इंडेक्स डिवाइड बाय 100, इधर तो 100 ही है, यहां पे आते पहला चाहिए लिंक रिलेटिव 121.74 इंटू बेस 100 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 121.7, ये समझा, समझाइए। हाँ, यहां पे लिंक कितना है 125 इंटू बेस 121.7 अपॉन 100, समझा क्या किया, 152.18 क्लियर। यहां पे लिंक 128.5 इंटू चेन बेस 152.1, फॉर्मूला देखते जाओ समझेगा, लिंक चेन 100, लिंक को चेन में बनाओ कौन 100 करना है, इज इक्वल 195.65, ये समझा, यहां पे आते 115.55, यहां पे 66 है इन्हें रेड 66 इंटू 195.66 अपॉन 100 इज इक्वल टू 22.60, यही हो गया आपका चेंज बेस मेथड। क्लियर है क्या, पक्का? लास्ट सम आपको फिर असाइनमेंट दे रहा हूं, बट वो कमोडिटी वाइज सॉल्व करना, वहां पे कमोडिटी दिया तो ए ऐसा कॉलम बन गया ए का, फिर बी का कॉलम, वैसे सी का कॉलम, ए बी सी जितने ईयर दे रहेंगे उसके हिसाब से, कितने साल दिया उसके अंदर 4 दिया है, तो 1 2 3 4 4 कमोडिटी ए का, फिर 1 2 3 4 बी के लिए, 1 2 3 4 सी के लिए, कॉलम सेम है। क्लियर है, पक्का? होपफुली आपको वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।